Hi learners, welcome to my channel. Let's learn together. Three little pigs. Three means teen. Little yani chote. Pigs is a kind of animal. Ye kism ka ek tarah ka janwar hota hai. Three little pigs. Teen chote pigs. Once there were three little pigs. Ek baar teen chote pigs the. Sonu, Monu एंड गोनू. सोनू, मोनू और गोनू उनके नाम थे. सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ. सोनू लिव्ड, लिव्ड मतलब रहता था. इन अ हाउस यानी घर में. ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ कहते हैं घास फूस को. तो सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ. सोनू घास फूस के बने हुए घर में रहता था. मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स. स्टिक कहते हैं लकड़ियों को, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ. हम इसे बम्बू भी कह सकते हैं, है ना. मोनू कहाँ रहता था? लकड़ियों से बने हुए घर में. एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स दैट मीन्स ईट. गोनू का घर ईटों से बना हुआ था. वन डे, एक दिन, अ बिग बैड वोल्फ केम टू सोनूज हाउस. बिग यानी बड़ा, बैड यानी बुरा, वोल्फ यानी भेड़िया. केम टू सोनूज हाउस. केम मतलब आया. वन डे अ बिग बैड वोल्फ केम टू सोनूज हाउस. एक दिन एक बड़ा और बुरा भेड़िया सोनू के घर के पास आया. ही सेड, सेड यानी कहा. ही सेड, उसने क्या कहा? आई विल हफ एंड पफ. हफ एंड पफ इट्स अ इडियम, ये एक टाइप का मुहावरा है. तो आई विल हफ एंड पफ, भेड़िए ने कहा कि मैं तुम्हारा घर फूक दूंगा, जोर से फूक मार दूंगा. एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. ब्लो योर हाउस डाउन मतलब फूक मार के उड़ा देना, उड़ा के गिरा देना. तो भेड़िए ने कहा कि मैं तुम्हारा घर जोर से फूक मार के उड़ा के गिरा दूंगा. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, तो उसने फूक मारी. एंड ही ब्लीव द हाउस डाउन, और उड़ा के घर गिरा दिया. सोनू रेन टू मोनूज हाउस. अब सोनू का घर तो गिर गया ना, तो सोनू मोनू के घर की तरफ भागा. द वोल्फ केम टू मोनूज हाउस. अब भेड़िया मोनू के घर के पास आया. ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, कि मैं तुम्हारे घर को जोर से फूक मारूंगा और तुम्हारा घर उड़ा के गिरा दूंगा. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन. उसने जोर से फूक मारी और मोनू को भी घर को फूक मार के उड़ा के गिरा दिया. सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस. अब सोनू और मोनू दोनों का घर तो गिर गया, तो रैन टू मोनूज हाउस. तो सोनू और मोनू रैन टू मतलब भागे, गोनूज के घर की तरफ भागे सोनू और मोनू. द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस. अब भेड़िया भी उनके पीछे पीछे गोनूज के घर की तरफ आ गया. ही सेड और कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं तुम्हारे घर को फूक मार के उड़ा के गिरा दूंगा. सो ही हफ एंड ही पफ, तो भेड़िए ने जोर से फूक मारी. बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन. बट ही कुड नॉट, लेकिन वो नहीं कर सका, वो उसे फूक से नहीं उड़ा सका, क्योंकि गोनू का घर ब्रिक से बना हुआ था और वो बहुत स्ट्रांग था, है ना. इट वॉज वेरी स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग था. इस वजह से गोनू के ईंटों से बने हुए घर को भेड़िया नहीं उड़ा के गिरा सका. द वुल्फ वेंट अवे. अब भेड़िया खिसिया के वापस चला गया. एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस. और सोनू, मोनू और गोनू एक साथ उस लाल बने हुए ईंटों के घर में खुशी खुशी रहने लगे. If you like the video, then like, share and subscribe and hit the bell icon to get the notification.